हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फास्ट इन्फॉर्मेशन में। बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से अब फाइनल जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट आने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे अच्छा विभाग कौन सा होगा जूनियर इंजीनियर सिविल वालों के लिए। साथ ही दोस्तों, अब फाइनल रिजल्ट आना है, उनसे पहले आप लोग एक बार कट ऑफ जरूर देख लीजिए। आपके मन में भी संतुष्टि आ जाएंगे कि आपकी सिलेक्शन होने वाला है या आपका सिलेक्शन नहीं होगा। साथ ही दोस्तों, सबसे बड़ी ये भी पॉइंट है कि रिजल्ट कब तक आएगा। उनसे भी बड़ा पॉइंट कि हम लोग का जो केस चल रहा है वो केस का क्या मैटर रहेगा। चलिए सारा डिटेल्स हम जानते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों आपको हम बता दूँ केस को मैटर को लेकर के। आप जो हाई कोर्ट में जो अभी केस देखते होंगे आप लोग 28/93/2020 जो कि 2019 कैंडिडेटों के रिगार्डिंग केस है, तो इसके रिगार्डिंग हम बता दूं दोस्तों कि 2019 कैंडिडेट एलिजिबल है, वो हमेशा एलिजिबल रहेगा। साथ ही दोस्तों, इस केस को जिस दिन सुन लिया जाएगा उस दिन ही केस डिस्पोज होने की ज़्यादा ही चांसेज रहेगा, अदरवाइज केस एक्सटेंड हो जाएगा, उसका कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। तो ये निश्चिंत रहिए, आप लोग का केस जिस दिन सुन लिया जाएगा उस दिन आप लोग का केस डिस्पोज हो जाएगा और 2019 एलिजिबल है, उसको किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं होगा, आप लोग फ्री रहिए। साथ ही दोस्तों, अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट बात का जो कि कौन सा विभाग सबसे अच्छा रहेगा और कब तक रिजल्ट आएंगे। सबसे पहले हम दोस्तों बता दूँ, जूनियर इंजीनियर का जो महत्वपूर्ण विभाग है उस विभाग का नाम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, उनमें कितनी सीट हैं उसके एनालिसिस भी हम आपको दिखाते हैं। साथ ही दोस्तों, कितने नंबर रहने पर, कितनी पॉइंट आने पर आपको कौन सा विभाग मिलेगा, बोर्ड इस तरह से क्या सोचकर आपको डिपार्टमेंट अलॉटमेंट करेंगे, सारा जानकारी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप जूनियर इंजीनियर सिविल में जॉब लेना चाहते हैं, अच्छा डिपार्टमेंट अगर आपको लग रहा है, तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार से आप अगर पथ निर्माण विभाग आप सबसे अच्छा ले सकते हैं। अगर आपको पथ निर्माण विभाग मिल जाता है तो समझिए आपके लिए बहुत बेटर है। अकॉर्डिंग ये मेरे अनुसार है, कुछ एनालिसिस के कुछ महत्वपूर्ण इंजीनियर जो कि अभी उन पदों पर, जैसे कि सहायक इंजीनियर है, जूनियर इंजीनियर है, उनसे जो अनुभव लिए एक्सपीरियंस के आधार पर हम इस चीज़ को बता रहे हैं। साथ ही दोस्तों, अदरवाइज सारे डिपार्टमेंट अच्छे हैं, आपको जिस डिपार्टमेंट में जॉब करने में रुचि लगे आपके लिए वही डिपार्टमेंट सबसे अच्छा है, ऐसे ये एनालिसिस के आधार पर हम बता रहे हैं। तो पथ निर्माण विभाग सबसे अच्छा कहा जा रहा है अभी के दौर में, जिसमें अगर पदों की संख्या बात करें तो टोटल 463 पद हैं। उसकी तरह से दो नंबर पर रखा गया है भवन निर्माण विभाग, ज़्यादा एनालिसिस के बाद दो नंबर पर भवन निर्माण विभाग, जिनमें टोटल 310 सीट हैं, इतने पदों पर नियुक्ति होनी है। साथ ही दोस्तों, तीसरा नंबर पर देख सकते हैं ग्रामीण कार्य विभाग, जिसमें 768 पदों पर नियुक्ति होनी है। उसी तरह से चौथा विभाग देखें तो नगर विकास एवं आवास विभाग UDHD देख सकते हैं, जिसमें टोटल 49 सीट हैं। उसी तरह से अगर PHED की बात करें तो 487 से सीटें हैं इस PHED डिपार्टमेंट में। उसी तरह से जल संसाधन विभाग होगा, यहाँ पर जल जोड़ दीजिए, जल संसाधन विभाग, जिसमें 2123 पद हैं, ये सीट भी बहुत ज़्यादा खाली है यहाँ पर, ये डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छे हैं जो कि छठे नंबर पर एनालिसिस किया गया है। साथ ही दोस्तों, योजना एवं विकास विभाग की बात करें तो इसमें बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी रिक्त पद है, इसके एनालिसिस के आधार पर 7वां नंबर पर रखा गया। वहीं लघु जल संसाधन यहाँ होगा, आप लोग देख सकते हैं लघु जल संसाधन विभाग की बात करें तो 347 सीट है, तो ये 8वां नंबर पर एनालिसिस करके रखा गया। तो दोस्तों, ये एनालिसिस के आधार पर 8ों डिपार्टमेंट को हम आपको दिखाएं कि किस डिपार्टमेंट की रैंकिंग अभी के दौर में कैसा चल रहा है और आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिल सकता है, वो आपके रिजल्ट, आपके रैंक के, आपके मार्क पॉइंट के अनुसार से डिपेंड करता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि कितने पॉइंट आने पर आपका सिलेक्शन अच्छे डिपार्टमेंट में हो सकता है। तो सबसे पहले आपके लिए जो मेरे जो ये 8 डिपार्टमेंट का एनालिसिस जो किए हैं उसके लिए कितने पॉइंट पर आप लोग को डिपार्टमेंट मिल सकता है, इस जो अकॉर्डिंग टू ये डिपार्टमेंट 8ों डिपार्टमेंट के जो सीरियल वाइज हम दिखाए हैं उसके लिए एक अलग हम वीडियो बनाएंगे। एनालिसिस कर रहे हैं, जो अभी इंजीनियर काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनसे हम एनालिसिस ले रहे हैं, उसके बाद आपको हम एक एक्चुअल पॉइंट बता करके आपको हम बता देंगे कि अगर आपको इतने पॉइंट के आसपास आ रहा है तो आपको भवन निर्माण विभाग या पथ निर्माण विभाग या ग्रामीण कार्य विभाग आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। साथ ही दोस्तों, हम बात करते हैं अब कट ऑफ का।
तो कट ऑफ के लिए हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो कि मेरा अंतिम कट ऑफ है, बहुत एनालिसिस करके दिए हैं। दोस्तों फिर बता दूं, इस बार कट ऑफ बहुत कम रहने वाला है क्योंकि आप लोग देखें ही ऑब्जेक्शन के टाइम में क्या स्थिति रहा ऑब्जेक्शन वाले के लिए, तो उसके एनालिसिस के आधार पर हमें पता चल जा रहा है, हम लोग को स्पष्ट दिखाई देने लगा है अब कि कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाला है। धैर्य बनाए रखिए, आप लोग का रिजल्ट बहुत ही जल्दी प्रकाशित होगा। कट ऑफ देखने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है कट ऑफ वाला वीडियो, उस पर क्लिक करके आप जरूर देखिएगा। बीटीएससी जेई कट ऑफ का वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, आप कट ऑफ एनालिसिस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, खुद से भी आपको पता चल जाएगा कि इस कट ऑफ के आसपास अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो फिर आप निश्चिंत रहें, श्योर रहें और आपके रिजल्ट कन्फर्म आएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों रिजल्ट की, तो सबसे पहले ऑब्जेक्शन की जो अभी प्रक्रिया जो खत्म हुआ है आप लोग देखे होंगे 23 तारीख को, उसके बाद दोस्तों देख लिए 24 तारीख की बात करें तो 24 को पूरे बिहार के जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस है वो ऑफ था, बंद था सरकारी छुट्टी के कारण। उसके बाद आज के डेट में एक दिन ऑफिस खुला। उसके बाद अगर आप बात करें 26 और 27 तारीख को, तो इस दिन शनिवार और रविवार होता है, जो कि इस दिन मेन मुख्यालय आयोग डिपार्टमेंट लगभग बंद रहती है शनिवार रविवार होने के कारण। तो लगभग आप लोग दोस्तों देख सके 27 तो लगभग आपकी काम धीमी चलेगी। उसके बाद 28 के बाद जैसे सोमवार आता है तो सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक जो एक सप्ताह चलता है वर्क ऑफिस का, इस वर्क में आप लोग का जितना भी ऑब्जेक्शन का कार्य है वो लगभग खत्म हो जाएंगे। तो इस बीच लगाकर आप लोग अनुमानित हम कर सकते हैं, आपको एनालिसिस के आधार पर बता दूं कि आप लोग कम से कम 5-7 यानी कि 5 जुलाई तक आप लोग वेट करिए, धैर्य बनाए रखे, एकदम शांतिपूर्वक आप लोग को रिजल्ट देखने को मिल सकता है और आप लोग खुशखबरी मिल सकता है। तो दोस्तों रिजल्ट के लिए आप लोग 5 तक कम से कम वेट करिए, उसके बाद ऐसे तो डिपेंड पड़ता है आयोग पर, लेकिन आयोग जिस स्पीड में काम कर रही है, जिस स्पीड में उनकी प्रक्रिया चल रही है, उसके एनालिसिस के आधार पर यही कहा जा सकता है कि आप लोग की रिजल्ट जुलाई के फर्स्ट वीक में आना तय है, अगर नहीं आया तो 15 जुलाई तक तो निश्चित आ जाएंगे। तो दोस्तों इसी तरह से सारा जानकारी आपको मिलता रहे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे भी लाइक करके मोटिवेट करिए, साथ ही दोस्तों को शेयर करके बताइए कि फास्ट इंफॉर्मेशन ऐसा चैनल है जहां पर सारी जानकारी सटीक और सही सही जानकारी मिलते हैं। साथ ही दोस्तों आपको हम बता दूं कि आपको डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी हम और अच्छी तरह से अगले वीडियो के माध्यम से देंगे, एनालिसिस के आधार पर देंगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई चीजों को लेकर के, तब तक देखते रहिए फास्ट इंफॉर्मेशन। जय हिंद, जय भारत।